पब्लिक का सवाल, मैं हूँ आपके साथ सपना शुक्ला। पब्लिक का सवाल का कारवा है सीतापुर की महमूदाबाद सीट पर। इस सीट की खासियत यह है कि यहाँ पार्टी नहीं देखी जाती है, यहाँ एक चेहरा देखा जाता है और उसी पर वोट होता है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी विधायक एक बार, दो बार, तीन बार अपना टर्म रिपीट करता है, लेकिन यहाँ से जो विधायक हैं वो 6 बार विधायक रह चुके हैं। बड़ी बात यह है कि जिस भी पार्टी में जाते हैं उसी पार्टी से उनको जीत मिल जाती है, फिर चाहे वो बीजेपी में रहे हो चाहे फिर वो सपा में हो। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र सिंह वर्मा की। उनकी लोकप्रियता यहाँ इस पैमाने पर है कि लोग यहाँ उन्हें पहले देखते हैं और पार्टी बाद में। शायद यही कारण है कि बीजेपी भी टिकट देने के लिए तैयार हो गई थी, बीजेपी को टाटा बाय बाय कहा, तो अब सपा भी टिकट देने को तैयार भी है और अभी भी 2007 से लगातार सपा के लिए ये सीट सुरक्षित कर रहे हैं। अब हम पब्लिक का सवाल के लिए पहुंचेंगे इस सीट पर और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों जनता उन्हें इतना पसंद कर रही है, और जब 2007 से पसंद कर रही है, क्या 2022 में भी एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। हम हैं नरेंद्र सिंह वर्मा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 6 बार से विधायक रहे हैं। जिस पार्टी में जाते हैं उसी पार्टी से जीत करा जाते हैं, ये उनका वर्चस्व है। संकटा देवी मंदिर यहाँ का प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर में हम भी दर्शन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करेंगे, जानेंगे नरेंद्र सिंह वर्मा ने इस मंदिर के लिए क्या किया, जहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं। इस मंदिर के लिए कितना विकास हुआ? सारा विकास हुआ है, नाला बना है, मंदिर का विकास हुआ। विधायक जी आते हैं दर्शन के लिए? आते रहते हैं जी, जी। बातचीत होती है आते हैं, आते हैं। अच्छा, हर पूर्णिमा को। अच्छा, बड़ी गजब की लोकप्रियता है आपके विधायक जी की, कि पार्टियां कहती है कि हमारे उससे लड़ लीजिए, मतलब 6 बार जिता दिया, ऐसा क्या काम उन्होंने कर दिया है? अच्छा काम करते हैं, इसीलिए आप लोगों के बीच में आते हैं जी, जी। बीच में रहते हैं आप लोगों के, बातचीत होती रहती है, आम इंसान की तरह काम काज हो रहा है। बिल्कुल, दोबारा जीत जाएंगे? बिल्कुल, जीतने की संभावना है। तो किसी साइकिल पे सवार होकर आए इसलिए जीतेंगे या फिर कमल खिलाएंगे इसलिए जीत जाए? अरे नहीं, उनके वचनता है तो जीत जाएंगे। अच्छा, साइकिल पे सवार है फिलहाल तो नरेंद्र सिंह वर्मा और 6 बार से विधायक है, तो कमल को तो घबराहट हो रही होगी कि यहाँ नहीं खेल पाएंगे। नहीं, इस बार देखिए जो चांस आ रहा है वो आगे आने वाली जनता भी बता देगी चुनाव में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल तो मोदी जी ने इतना लोकप्रियता बना दी है कि अब लोग, नरेंद्र सिंह वर्मा की लोकप्रियता तो यहाँ है ना इस सीट पर, लोकल सीट पे है। अब अगर आपकी पार्टी से लड़े तब जीत गए, अब साइकिल पर सवार है तो साइकिल को आगे बढ़ा रहे हैं, तब कमल कैसे? पिछली बार कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से जो है कमल की सीट नहीं निकल पाई, इस बार निकल, लेकिन इस बार जो 100% सीट आपकी कमल की ही निकलेगी। और अगर फिर से नरेंद्र सिंह वर्मा ने इसी तरीके से लोकप्रियता बटोरते हुए सीट हासिल कर ली, लोकप्रियता तो अपनी जगह है, लेकिन आप मानते हैं काम हुआ है उनके, उसमें काम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नरेंद्र सिंह वर्मा जानते हैं कौन? हाँ, विधायक है। बहुत खुशी से नाम ले रहे हैं, काम वाम करें, काम बढ़िया करें, तुम्हारे लिए क्या करें, तुम्हारे लिए क्या करें, हमारे मंदिर का विकास करें, बस बढ़िया मंदिर का विकास करें। देखे हो आते हैं, फिर से जिताओगे साइकिल को सवार करा के या कमल खिला के? नहीं, साइकिल को सवार करा के जिताओगे की कमल खिला के? नरेंद्र सिंह वर्मा किसी भी पार्टी से होंगे, जनप्रिय नेता है मतलब यहाँ पर पार्टी नहीं, यहाँ कैंडिडेट है, इसलिए तो नहीं जीत रहे हैं कि रेस में अकेला एक मजबूत कैंडिडेट है तो फिनिश लाइन तक सबसे पहले पहुँच जाता है, या फिर कोई और आपके पास विकल्प नहीं तो नरेंद्र सिंह वर्मा को जिता देते हैं? नहीं, वो जनप्रिय है, हर जनता से मिलते हैं, मंदिर आते रहते हैं। हाँ, मंदिर का उनकी बहुत श्रद्धा है। अच्छा। मंदिर के लिए, विकास के लिए हर समय बंद रहते हैं। हाँ। और मंदिर पर हर प्रति महीना और जब भी उधर से निकलते तो मंदिर अवश्य आते हैं। अच्छा, मंदिर अवश्य। इससे पहले जब वो राजनीति में नहीं थे तो मंदिर से उनका बहुत लगाव था। हाँ। और आज उनका बहुत ज्यादा लगाव है। संकटा देवी ने सारे संकट उठा लिए उनके, बाकियों के तो संकट बढ़ गए हैं। नहीं नहीं, संकट कोई नहीं बढ़े, जो माता जी ने सच्ची श्रद्धा भावना से आए उनका तो क्या कल्याण हुआ। बाकी भी तो लेने आएंगे संकटा देवी मंदिर में आशीर्वाद के, भैया हमारे भी संकट हरो, आपकी हमें दे दो मौका। तब क्या आप किसके संकट हर रहे हैं? नरेंद्र सिंह वर्मा के संकट अभी भी हरे हो, वही फिर से जीत जाएंगे, पूरा यकीन है। तो यहाँ तो नरेंद्र सिंह वर्मा किया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कमल बड़ा मुश्किल में है। वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा। खिल जाएगा कि नहीं खिल जाएगा? उम्मीद तो पूरी, हम लोग पूरे, साइकिल 400 पार जा रही है, साइकिल 400 पर जाएगी, 40 नहीं मिलेंगे, 400 बहुत दूर की बात है, 40 नहीं मिलेंगे। अच्छा, लेकिन कमल खिल जाएगा, 400 प्लस निकलेंगे। अच्छा, 400 प्लस जीते, यही हो इसी सीट पर रहते? नहीं, यहाँ नहीं, 12 बंकी से। 12 बंकी से, चलो फिर भी तुम बता दो सरकार के बारे में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, 12 बंकी बहुत दूर नहीं है अहमदाबाद से, नजदीक में ही है, ये बंटूपुर से है। अच्छा, यही से है। तो कमल की सरकार अच्छी? हाँ जी। साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा,
अब हमारी तरफ अड्डू में तो कमल ही खिलेगा। कमल ही खिलेगा। हाँ जी। वैसे बताइए सरकार में क्या लग रहा है, कमल खिलेगा सरकार में? लग तो रहा हो जाएगा। लग तो रहा है ये संभावना। अच्छा विकास अच्छा है। नरेंद्र सिंह वर्मा कमल खिल जाएगा? नरेंद्र सिंह वर्मा तो चाहे जिस पार्टी सामने जीतेंगे। अच्छा मतलब यहाँ पार्टियाँ मोहताज है नरेंद्र सिंह वर्मा? हाँ, वो काम करते हैं, जमीन बैठते हैं सबके बराबर। एक कई करोड़ों का नाला सरकार द्वारा उन्होंने बनवाया है, कई तीन सीट बनवाया है इन्होंने चांदी में भी। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, सीट में देखने को मिली। लोग कहते हैं कि दूसरी पार्टी का विधायक होता है तो विकास नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ तो विकास की बयार बह रही है। आप कह रहे हैं सरकार से नाराजगी है? नहीं, हम कोई चीज से नाराजगी, हमको सिर्फ अपना विधायक पसंद है, हमको यही विधायक दो। तो ऐसा तो नहीं है इस पूरे रेस में अकेले दौड़ रहे हैं मजबूत कैंडिडेट इसलिए जीत रहे हैं, या फिर वाकई काम किया? नहीं, काम किया ही वजह से, चाहे जिस समय मिल लो उनसे कोई मुद्दा बात बताइए, आप सुनते हैं नहीं? आप लोग कंपेयर कैसे करते हैं? छह बार से आप विधायक कर रहे हैं, दो सात से यही जीत रहे हैं। हाँ तो काम करते हैं। अभी तो मंदिर बंद है, जीत रहे हैं, खुलने वाले हैं, बताइए। जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। मोहम्मदाबाद में काम हुआ है। तो मोहम्मदाबाद सीट पर हम हैं, और बड़ी बात ये देखने को मिली है, अक्सर ये देखा जाता है कि किसी और पार्टी से अगर विधायक होता है तो लोगों की शिकायत होती है विधायक को काम नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि सरकार किसी और पार्टी की है। लेकिन यहाँ तस्वीर एकदम बदली हुई है, यहाँ लोगों का कहना है कि विधायक जी काम करते हैं, और सिर्फ काम नहीं बेहतर काम करते हैं किसी और विधायक। तो बजाजा रोड पर हम हैं महमूदाबाद की, और नरेंद्र सिंह वर्मा जो कि मौजूदा विधायक हैं और कई सालों से विधायक हैं, कैसा काम किया गया है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा ये रहते हैं महमूदाबाद में? जी जी। ये बताइए नरेंद्र सिंह वर्मा को बार बार मौका दे रहे हैं आप, चुनाव आ रहा है, ऐसा क्या है जो इतने लोकप्रिय नेता बने हुए आपके बीच में? अरे वो तो कभी कभी मोटरसाइकिल से निकल पड़ते हैं। अच्छा। कभी पैदल घूमते हैं। अच्छा। तो उनसे अच्छा और फिर इसका कौन मिलेगा विधायक हमको? अच्छा। पार्टी से फर्क पड़ता है या आपको कैंडिडेट से फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, पार्टी भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया, दोनों लोग हैं। क्योंकि पहले 91 में बीजेपी से तब भी आप जिता रहे थे, अब सपा से 2007 से तब भी आप जिता रहे हैं। हाँ, फिर भी अब किल भी जिताएंगे, अब जीत के फिर आएंगे वो। बीच में आते रहते हैं आप लोगों से? हाँ, मुलाकात होती है बराबर। नरेंद्र सिंह वर्मा दोबारा? हाँ, उन्हीं को उसी। फिर से यहाँ पर नरेंद्र सिंह वर्मा की जीत होगी? फिर से भी होगी, फिर से भी होगी। और भी कुछ लोग उनसे बात करते हैं कि क्या कैसा काम चल रहा है, और साथ ही साथ कैसे वो है चप्पलें सबकी बनाते हो, ये बताओ सरकार किसकी बन रही है आपकी यहाँ पे? यहाँ बीजेपी यहाँ पर सूबे में, उत्तर प्रदेश में? अरे उत्तर प्रदेश में किसकी मतलब की अपने मतलब कह दे, बता दे हम किसकी योजना बन रही है। आपको क्या लगता है किसकी बनेगी, किसकी बनेगी? मोदी की बनेगी। योगी की? योगी की, योगी की। लेकिन यहाँ तो नरेंद्र सिंह वर्मा आपके ऐसे विधायक हैं, लोग कह रहे हैं कि छह नहीं हम सात आठ बार उनको जिताएंगे, इतना काम किया है। हाँ तो हो सकता मतलब यहाँ पर नरेंद्र सिंह वर्मा जानते हैं ना आपके विधायक जी, कैसे विधायक है? विधायक तो अच्छे हैं। लोग कह रहे हैं कि मिलजुल लेते हैं, मिले हैं कभी? नहीं, मिलजुल के चलते हैं वो सबसे जी। फिर जीत जाएंगे? कोशिश तो यही है, कोशिश यही है। क्या भाई सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ऐसा क्या है कि नरेंद्र सिंह वर्मा बार बार जीत रहे हैं? लोकप्रिय विधायक हैं वो, लोकप्रिय हैं, आते जाते रहते हैं। बिल्कुल आते जाते हैं, वो क्षेत्र में आते हैं, 30 सालों से विधायक हैं, और जनता से जुड़े हुए हैं, जनता पे अपनी बात रखते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, और विकास भी किया है। पूर्व में 2012 से लगा के 2017 तक जो उन्होंने विकास कार्य करवाए थे, वो विकास कार्य आज रुके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास रोके हुए हैं। एक मिनट भैया, तुम आप कह रहे हो कि विधायक जी काम नहीं करवा पाए सरकार में? लोगों ने कहा है कि ऐसे विधायक हैं जो दूसरी की सरकार में भी काम करवा पाए। नहीं, वो इतने लोकप्रिय हैं, पूर्व में जो है जो सरकार जो हमारी काम कराई थी उन्होंने काम क्षेत्र में कराए हैं, आज इसीलिए दोबारा सातवीं बार जनता उनको मौका देने जा रही है। सातवीं बार दे रही है जनता मौका? हाँ। नरेंद्र सिंह वर्मा को जी हाँ। कमल खिलेगा कि साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी, साइकिल साइकिल। समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी और आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पार्टी आर्टी में भाषण देते हो क्या कहीं? अरे नहीं, भाषण नहीं देते, हम पार्टी के पदाधिकारी हैं। आप नहीं पूछेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं पूछेंगे भाई, ये पोल खोल दिए हैं, आप आपकी बात हम नहीं मानेंगे। नरेंद्र सिंह वर्मा काम वाम किए? काम हम किया, काम किए इसीलिए इतने लोकप्रिय बने हुए हैं। जी जी। ऐसा तो नहीं है कि कोई और रेस में भाग ही नहीं रहा है तो आप उन्हीं को जिता देते हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसे नहीं है, आते जाते रहते हैं यहाँ पर। जी जी। मुलाकात हुई है? जी जी। अच्छा, इसीलिए जीत रहे हैं। जी। तो ये बताइए, यहाँ तो आप नरेंद्र सिंह वर्मा को जिता रहे हैं, लेकिन सुबह में सरकार किसकी बनेगी, साइकिल चलेगी कि कमल खिलेगा? अब की बारी तो सरकार ही है, कि साइकिल ही की रही, साइकिल की रहेगी। हवा ऐसी लग रही है आपको? चलिए कुछ और लोग भी, उनसे ही बातचीत कर ले। कहाँ जा रहे हो, देख तो रहे थे, बता के जाओ आप। नरेंद्र सिंह वर्मा जानते हो कौन है, कैसा काम किया है? काम बढ़िया काम किया है, जीत जाएंगे फिर से? तो यहाँ कमल खिलेगा कि साइकिल चलेगी? साइकिल, साइकिल चलेगी। कमल खिलेगा कि साइकिल चलेगी? साइकिल। कमल नहीं खिलेगा? नहीं। काहे भाई? यहाँ पर जो है जो लोकप्रिय विधायक हमारे हम लोगों के नरेंद्र सिंह वर्मा जी हैं,
अभी जब कोरोना काल चल रहा था तो पूरे प्रदेश में हम सोशल मीडिया चलाते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि पूरे प्रदेश में जो है नरेंद्र सिंह वर्मा ऐसा काम किए हैं पूरे क्षेत्र में। अभी जब कोरोना में जो है हमारे गरीब मजदूर जो है कहने का मतलब जो है खाने के लिए जो है यहाँ पे वो बाजारें बंद हो मार्केट बंद हो चुकी थी तो यहाँ पे मजदूर या जो है बाहरी जो आने वाले थे उनको भोजन नहीं मिलता था या जो है कोई दुकानें खुली नहीं थी तो जो है हर चौराहों पे अपने अपना जो है विधायक जी जो है खाना बनवा के और बड़े बड़े भगोना जो है लगा के इस चौराहे पे और ये क्रॉसिंग पे रामकुंडा चौराहे पे सभी को बनवा के। सही में काम किया है नरेंद्र सिंह वर्मा तो जो है जनता के मतलब जो है विधायक है ठीक है, लेकिन मैं इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहूंगा, मैं रोजगार के मुद्दे पर बोलना। रोजगार के मुद्दे पर तो बोलो, लेकिन हमारे शो का नाम पब्लिक का सवाल है। हर विधानसभा सीट पर पहुंच के हम ये जानते हैं कि विधायक जी ने काम किया कि ठेंगा दिखाया है। आप ये बताइए, आपके विधायक जी ने काम किया कि ठेंगा दिखाया? इस पर मैं रोजगार के मुद्दे पर बोलूंगा, रोजगार के मुद्दे बोलूंगा। चलिए और आगे चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं जनता से कि वाकई काम हुआ है या फिर सिर्फ ठेंगा दिखाया गया है। चाचा नरेंद्र सिंह वर्मा तुम्हारे विधायक है, कैसा काम किया है? कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम ही लोग नहीं। तो इतने खुश है कि भाई 6 बार से विधायक बना दिया है, फिर बनाएंगे हम लोग, इतना काम कर दिया। कब जब उनको ऊपर से मिलेगा नहीं पैसा तो यहाँ क्या करेंगे? तो गलती किसके, विधायक जी की है कि सरकार की है? ये सरकार का मामला है, जब सरकार पैसे देगी हा? जब सरकार पैसे देगी तो वो काम करेगी। बहुत नाराजगी, किससे नाराजगी है भैया? इतनी किससे नाराजगी है? समाजवादी से? अच्छा अच्छा, नहीं बोलेंगे, नहीं ये मीठा कड़वा किसी को टॉनिक कोई नहीं देंगे। और आगे चलते हैं और जनता से यहाँ बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि मोहम्मदाबाद सीट पर नरेंद्र सिंह वर्मा 6 बार से विधायक है तो वाकई काम किया है या फिर सिर्फ लोकप्रिय था? चाचा है बहुत काम किया। आप तो हमारे सवाल पूछने से पहले ही दाग दिए जवाब। बताइए आगे बताइए। तो बढ़िया, इसलिए कि काम किया है? काम किया, पूरे 5 साल काम करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। 6 बार से आप लोग विधायक बना रहे? 6 बार, हाँ 6 बार। मौका ही नहीं देते किसी और? फिर 7वां भी मौका उन्हीं को मिलेगा। ऐसा मतलब बाकी विधायकों की तरह सड़कें वड़के बनवाई है, कुछ और भी एक्स्ट्रा काम किया कि आपको लगता है ये जीतना चाहिए? रोड भी तमाम गांवों की बनवाई है, तमाम गांवों की रोड के आप करिए सर्वे, रोड के तमाम आप गांवों के सर्वे करिए, तमाम रोड बहुत सी रोडें बनी है। अच्छा, तो अब यहाँ पर कोई और चांस नहीं है? कोई चांस नहीं, 7वां चांस फिर उन्हीं को मिलेगा। पार्टी मायने रखती है कि कैंडिडेट मायने रखता है? पार्टी और कैंडिडेट दोनों मायने रखता है। अच्छा, पार्टी और कैंडिडेट, अगर पार्टी बदल ली मान लीजिए 1% भी तो नहीं जीत पाएंगे? तब भी जीत लेंगे। तो पार्टी उनके उससे चलती है यहाँ पर? हाँ भाई साहब जी है? जी ऐसा काम करते हैं नरेंद्र सिंह वर्मा जी? जमीनी आदमी है, जमीन से जुड़े लोग हैं। गलियों से निकल जाते हैं? हाँ हाँ, गलियों से निकलते हैं, रोड पैदल टहलते हैं, पैदल निकलते हैं मोटरसाइकिल से और पैदल निकलते हैं, जाते हैं बिना काफिले के? हाँ बिना काफिले पैदल चलते रहते हैं। ये लोग जमीन से जुड़े हुए नेता है, इसीलिए आप लोगों को पसंद जी? जमीन से जुड़े नेता है आपके विधायक है? सबका है, जुड़े हैं सबका है, हर चीज से जुड़े हुए हैं, सबसे जुड़े हुए हैं। हाँ। बातचीत कर लेते, चाहे वो कोई पार्टी में जाए, काम करते हैं क्षेत्र में, पूरे 5 साल क्षेत्र में रहते हैं, हर सुख दुख में काम आते हैं सबके, कोई पार्टी जाए जीती है जरूर, मतलब पार्टी किसी की भी हो। हाँ। वो जीत जाएंगे। हाँ। ठीक है, चलिए कुछ और लोग भी, उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि नरेंद्र सिंह वर्मा ने आखिर विगत 5 सालों में ऐसा क्या काम किया कि इतनी लोकप्रियता नरेंद्र सिंह वर्मा की है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हम मोहम्मदाबाद सीट पर हैं, मोहम्मदाबाद सीट जहां से 6 बार से नरेंद्र सिंह वर्मा विधायक हैं, तो ऐसी लोकप्रियता कैसे बनी है कि अभी भी लोग यहां के उनको ही मौका दे रहे हैं? नरेंद्र सिंह वर्मा को जानते हैं? जानते हैं। कौन है भाई? विधायक है यहां के। फिर से जीत जाएंगे कि नहीं? जीतेंगे। ऐसा भाई क्या जलवा चला दिए कि हम जिससे सुन रहे हैं यही सुन रहे हैं नरेंद्र सिंह वर्मा ने काम किया, हम सातवीं बार भी उनको देने जा रहे हैं। काम किया हो या ना किया हो मगर जीतेंगे, फिर जीतेंगे, जमीन से जुड़े हैं बस। बस ये चाहिए या फिर वाकई काम हो रहा है? आप लोग एक दुख दर्द समझते हैं? अब यहाँ कुछ दिख रहा है आपको? हा? आपको कुछ दिखा महमूदाबाद में? आप बताइए ना, हम तो देखने आए हैं, हम तो इसीलिए हमारी टीम ना, सब कुछ यहाँ डेवलप है। अच्छा, किसी और को मौका नहीं मिलेगा? उन्हीं को मौका मिलेगा, जीत का पान वही खाएंगे जी? है जी, उन्हीं को मौका दिया जाएगा। हाँ, नहीं खाएंगे। आते जाते दिखाई दे जाते हैं यहाँ से? हाँ, क्या सब कह रहे हैं, मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं, उससे निकल जाते हैं, मुलाकात होती है, होती है मुलाकात? और क्या कर लेते हैं मुलाकात। तो क्या कह रहे हैं चाचा? नरेंद्र सिंह वर्मा के अलावा जीते नहीं सकते? अगर कैंडिडेट बदल लिया तो हार जाएंगे? कभी नहीं हारेंगे। नहीं नहीं, पार्टी ने अगर कैंडिडेट बदला तो हार जाएंगे? तब नहीं, देखा जाएगा, लेकिन नरेंद्र के सवा कोई नहीं जीते। देख लेते हैं, बातचीत हुई है? हाँ, बहुत मोटरसाइकिल से आदमी ने
निकला पैदल निकला तो माता। तो ये नेता की लोकप्रियता है, ये दिखाता है कि आखिर नेता कितना जमीन से जुड़ा हुआ है। तो पब्लिक का सवाल के लिए आज हम मोहम्मदाबाद सीट पहुंचे। नरेंद्र सिंह वर्मा यहां से मौजूदा विधायक हैं। लोकप्रिय नेता में उनकी गिनती होती है क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, छह बार से यहां विधायक रह चुके हैं। आज भी कई लोगों ने इसका जिक्र किया कि उनकी सादगी यहां के लोगों को बहुत पसंद आती है। आज भी बाइक लेकर यूं सड़कों पर निकल जाते हैं, अपनी जनता से संवाद करते हैं। शायद यही कारण है कि छठी बार के बाद अब सातवीं बार भी वहां की जनता इस मूड में नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मजबूत कैंडिडेट टक्कर में नहीं? शायद यही कारण भी है। बहुत सारे लोगों ने यह भी सवाल खड़े किए हैं। तो ये सीट ऐसी रही जहां पर कैंडिडेट को ज्यादा महत्व दिया गया जाए किसी भी पार्टी के। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और सीट पर और जानेंगे क्या है पब्लिक का सवाल।